तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की डेली इंफ्रा न्यूज़। दोस्तों पहली अपडेट आ रही है इंडियन रेलवे से, जहां पे एक और मेक इन इंडिया सक्सेस के तहत कोविड 19 होने के बावजूद इंडियन रेलवेज़ की चितरंजन लोकोमोटिव वर्क CLW जो वेस्ट बंगाल में है, एक और माइलस्टोन अचीव किए हैं प्रोडक्शन के मामले में, जहां पे 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में 350 लोकोमोटिव्स को बनाए हैं, वो भी सिर्फ 248 डेज में। रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी के अनुसार ये फाइनेंशियल ईयर सबसे अच्छा रहा लोकोमोटिव्स मैन्युफैक्चरिंग में कोविड 19 के रहने से भी। दोस्तों अगली अपडेट आ रही है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, जहां पे टाटा पावर एंड टेस्ला के बीच में बातचीत चल रही है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। टेस्ला बहुत जल्द इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने वाली है कर्नाटक में, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के अनुसार ये दावा किया गया है। दोस्तों अगली अपडेट आ रही है NHSRCL नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के तरफ से, जहाँ पर मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए NHSRCL और जापान रेलवे ट्रैक कंसल्टेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है हाई स्पीड रेल ट्रैक डिजाइन करने के लिए। ये MOU साइन हुआ है बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स पैकेज वडोदरा से वापी के बीच में, जो गुजरात में है, रेल ट्रैक वर्क के लिए। इसका टोटल लेंथ 237 किलोमीटर होगा। दोस्तों अगली अपडेट आ रही है स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, जहां पे एप्पल ने 5G इनेबल्ड आईफोन 12 का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट कर दिया है। ये फर्स्ट आईफोन होगा जो 5G सपोर्ट करेगा। आईफोन 12 सेकेंड टॉप ऑफ द लाइन आईफोन है जिसे इंडिया में बनाया जा रहा है। आईफोन 11 के बाद आईफोन 12 का प्रोडक्शन अभी फॉक्सकॉन प्लांट में किया जा रहा है जो चेन्नई में है। आईफोन 12 को सिर्फ इंडिया में ही सेल किया जाएगा, मेड इन इंडिया आईफोन 12 मॉडल को। दोस्तों अगली अपडेट आ रही है मुंबई नागपुर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में, जहां पे लाइडार और लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सर्वे स्टार्ट हो गया है मुंबई नागपुर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए। ये डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR का पार्ट है, इंडियाज प्रपोज्ड सेकेंड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो पास करेगा सिटीज, उसके नाम है महाराष्ट्र के शाहपुर, लगतपुरी, नासिक, महकर, मालेगांव, पुलगांव, वर्धा एंड खापरी, और इसका टोटल लेंथ 736 किलोमीटर होगा। लाइडार टेक्नोलॉजी का मदद से 3-4 मंथ्स में फिनिश हो जाएगा सर्वे का काम, जो यूजुअली 10-12 मंथ्स लगता है। तो दोस्तों यही था आज का डेली इंफ्रा न्यूज़। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक करें दोस्तों वीडियो को, और वीडियो को शेयर करें दोस्तों अपने फ्रेंड के साथ। कमेंट करें दोस्तों आपको किस टॉपिक में वीडियो देखना है।